वेलकम वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टाइलिंग निशा। आई होप यू ऑल आर डूइंग सो ग्रेट। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपके साथ मैं मेरे अक्टूबर मंथ के कुछ फेवरेट आइटम्स शेयर करने वाली हूँ। और ये सभी जितने भी ब्यूटी से रिलेटेड आइटम्स हैं ना, ये मैंने बहुत ही अच्छे डिस्काउंट में बाय किए हैं, बिकॉज अभी चल रही है अमेज़ॉन पे द ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल। और इस सेल में बहुत अच्छे डिस्काउंट्स आपको मिल जाएंगे। जैसे कि मैंने ब्यूटी आइटम्स में बहुत अच्छा डिस्काउंट मुझे मिल रहा था, अप टू 70-80% ऑफ मिल रहे हैं। फैशन में आपको 40% ऑफ मिल रहा है। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में भी काफ़ी अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा आपको। सो एक बार चेक ज़रूर कीजिए, इनमें से कोई भी आइटम आपको बाय करना हो या सारे आइटम्स भी बाय करने हो तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स मेरा चेक कर लेना, वहाँ पे आपको सभी प्रोडक्ट्स के लिंक्स मिल जाएंगे। सो आप भी मुझे याद करोगे कि बहुत अच्छे डिस्काउंट पर आपको इतने अच्छे प्रोडक्ट्स मैंने शेयर किए हैं। सो गाइज, विदाउट फर्दर डू, लेट्स बिगिन। सो जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत अच्छे डिस्काउंट चल रहे हैं इस टाइम अमेज़ॉन पे। अमेज़ॉन ऐप एक बार ओपन करके आप देखेंगे ना, तो फ्रंट में ही आपको दिख जाएगा कि काफ़ी अच्छे लेटेस्ट डिज़ाइन के कपड़े भी आ गए हैं। क्लोथिंग बहुत अच्छी ज़्यादा है, और फैशन, ब्यूटी, इलेक्ट्रॉनिक सभी आइटम्स काफ़ी अच्छे लेटेस्ट हैं और डिस्काउंट काफ़ी अच्छे अवेलेबल है। सो ऐसे में मैंने ब्यूटी आइटम्स जो मैंने शॉप किए हैं ना, मैं आपको दिखा देती हूँ। सो ये मैंने कुछ ये वाले ब्यूटी आइटम्स की शॉपिंग की है, और ये जितने भी आइटम्स हैं ना, ये आपको अंडर 500 मिल जाएंगे, इससे ज़्यादा कोई भी नहीं है। सो अंडर 500 ब्यूटी प्रोडक्ट्स का ये हॉल होने वाला है। सो फर्स्ट जो आइटम आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ, सबसे पहला जो प्रोडक्ट मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा वो ये है बर्ड्स एंड बेरी का बॉडी लोशन। ये ऑयल नरिश्ड बॉडी लोशन है, दैट मीन्स ये ड्राई स्किन के लिए बहुत इफेक्टिव होगा। और जिनकी भी विंटर्स में ड्राई स्किन एक्सेसिव ड्राई हो जाती है, मेरी तरह, मेरी ड्राई स्किन है बट विंटर्स में बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, बट स्टिल ऑयली स्किन को भी नरिशमेंट की ज़रूरत होती है, चाहे वो विंटर्स हो या समर्स हो। सो गाइस, ये वाला प्रोडक्ट आप बाय कर सकते हैं। ये बर्ड्स एंड बेरी का ऑयल नरिश बॉडी लोशन है। शिया बटर एंड आर्गन ऑयल की इसमें गुडनेस है। सो शिया बटर एंड आर्गन ऑयल बहुत अच्छा होता है आपके स्किन के लिए, स्किन की इलास्टिसिटी को बढ़ाता है और रिजुवनेट करता है, आपके डेड स्किन सेल को भी इम्प्रूव करता है। और इसमें किसी भी तरह का पैराबेन, सल्फेट या मिनरल ऑयल नहीं है, केमिकल से फ्री है ये प्रोडक्ट। और ये इंटेंसली हाइड्रेट करता है आपके स्किन को, और इसमें जितने भी एक्सट्रैक्ट्स हैं ना, वो सब नेचुरल है, तो आप इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। 240 ml क्वांटिटी मिल जाएगी आपको, और ये 400 की MRP में है, बट ये मैंने बहुत अच्छे डिस्काउंट में बाय कर लिया, ओनली 263 में। सो इसकी पैकेजिंग कुछ इस तरह से है, बहुत अच्छे से नाइसली पैक्ड होके आया है, किसी भी तरह का कोई डैमेज नहीं है इसमें। सो इसको ओपन करके मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। सो इसकी क्वांटिटी भी इनफ है, 240 ml। सो वन मंथ अप टू ये आपको चल जाएगा बहुत ईजी। और ये इस तरह से एक सेफ्टी कैप के साथ आता है, ये बॉटल का जो पंप है इसके नेक में, ये सेफ्टी कैप है। सो ये ईजिली रिमूव हो जाती है इस तरह से। और इसका टेक्सचर, जैसे कि इसमें लिखा है कि ऑयल नरिश्ड बॉडी लोशन है, सो ऐसा लगता है कि बॉडी लोशन प्लस ऑयल मिक्स करके आप कुछ अप्लाई कर रहे हैं, और इतना स्मूथ जा रहा है आपकी स्किन पे। कब ये ब्लेंड हो जाता है, अब्जॉर्ब हो जाता है आपकी स्किन में, आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा। इसकी फ्रेग्रेंस बहुत ज़्यादा अच्छी है, इसमें आपको 2 ईयर्स की शेल्फ लाइफ भी मिलेगी, और आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। आप इसे ओवरऑल बॉडी यूज़ कर सकते हैं, आप उसको फेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। सो ये देखो, इसकी थिकनेस कुछ इस तरह से है। सो ये अप्लाई करने में बहुत ज़्यादा स्मूथ है, इतना ज़्यादा स्मूथ है, और इसको अप्लाई करने के बाद बहुत अच्छी सी शाइन आ जाती है आपके स्किन में, सो आप देख सकते हैं। और इसकी फ्रेग्रेंस बहुत अमेजिंग है, जिससे बिल्कुल नेचुरल चीज़ों की फ्रेग्रेंस होती है, मिल्क है और बटर है, कुछ इस तरह की फ्रेग्रेंस है इसमें। और ये बहुत, देखो कितने अच्छे से ये स्किन में अब्सॉर्ब हो चुका है। सो मुझे ये वाला बॉडी लोशन बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बिकॉज इसमें अच्छा हाइड्रेशन मिल जाएगा आपको। मेकअप से पहले विंटर्स में आप ये लगाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा।
नेक्स्ट जो प्रोडक्ट आपके साथ में शेयर कर रही हूँ, एक जो प्रोडक्ट है जो समर्स एंड विंटर्स दोनों में जो धूप होती है उसके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, वो है एक सनस्क्रीन, एक अच्छा सनस्क्रीन। सो विंटर्स की स्टार्टिंग की धूप अच्छी होती है स्किन के लिए, बट यस एकदम से डायरेक्ट सनलाइट में नहीं जाना चाहिए। सो नेक्स्ट जो प्रोडक्ट ये मैं शेयर कर रही हूँ ये है ये मिनिमलिस्ट ब्रांड का सनस्क्रीन है, ये SPF 50 के साथ है सनब्लॉक, एंड इसमें नियासिनेमाइड है, विटामिन B5 है, विटामिन F भी है, ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन है, PA++++, दैट मीन्स 4 times+। अभी तक आपने ट्रिपल प्लस सुना होगा बट ये 4 times+ के साथ है। ये ऑल स्किन टाइप प्रोडक्ट है, बाय द वे दिस प्रोडक्ट इज ऑल्सो ऑल स्किन टाइप्स, ठीक है। 50 grams इसमें क्वांटिटी मिल जाएगी, और सबसे पहले तो ये यूवी फिल्टर करता है, फ्री फ्रॉम फ्रेग्रेंस, सिलिकॉन्स, पैराबन, सल्फेट, डाइज एंड एसेंशियल ऑयल्स है। ये टेस्ट डन करना चाहिए आपको अगर किसी भी तरह की आपको स्किन सेंसिटिव है या एलर्जी होती है, बट ये एक डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड प्रोडक्ट है, सो आपकी स्किन के लिए ये सेफ रहेगा। इसका ये आपके स्किन के पीएच बैलेंस को 6.0 to 7.0 बैलेंस रखता है, ठीक है। सो कुछ इस तरह से ये पैकेजिंग में है। ये इसका MRP मैं आपको बता देती हूँ, इसकी MRP 399 है, बट ये मैंने 359 में बाय किया है डिस्काउंटेड प्राइस में, और ये कुछ इस तरह के पैकेजिंग में है ट्यूब फॉर्म में। और ये जो सनस्क्रीन है ये क्रीम बेस्ड सनस्क्रीन है, इन केस आपकी ऑयली स्किन है तो आप जेल बेस्ड ले सकते हैं, इसमें अवेलेबल है, बट मेरी ड्राई स्किन है तो मैंने क्रीम बेस्ड सनस्क्रीन लिया है, और ये भी काफ़ी अच्छी, बहुत ही स्मूथ टेक्सचर क्रीम है इसमें, ये देखो बहुत ही अच्छा स्मूथ टेक्सचर है, और ये बेस स्किन में बहुत अच्छे से ईजी और फास्ट एब्जॉर्ब होने वाला प्रोडक्ट है। आपको वेट नहीं करना पड़ेगा, आपको बहुत देर तक अपनी स्किन को रब नहीं करना पड़ेगा एब्जॉर्ब के लिए, बहुत ही अच्छे से ईजी एब्जॉर्ब हो जाता है। एंड वन थिंग जो मैं आपको एडवाइस करना चाहती हूँ, कभी भी आप सनस्क्रीन अप्लाई करते हैं तो आपको एटलीस्ट बाहर धूप में जाने से 20 to 25 minutes पहले सनस्क्रीन को अप्लाई करना है। सो आई थिंक ये वाला सनस्क्रीन बेस्ट होगा मेरे लिए अभी तक, वैसे मैंने इसको अभी यूज़ नहीं किया है बट मुझे ट्रस्ट है, बिकॉज इसके रिव्यूज़ भी काफ़ी अच्छे थे, मुझे ट्रस्ट है कि ये एक अच्छा सनस्क्रीन है। सो अगर आपको ये बाय करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बार लिंक चेक कर लेना। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये एक हेयर से रिलेटेड प्रोडक्ट है, बिकॉज हेयर्स बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं विंटर्स में, बिकॉज हम वार्म वाटर से भी हेयर्स को वॉश करते हैं, डैंड्रफ हो जाता है। सो उसके लिए मैं सोच रही थी एक अच्छा सा हाइड्रेशन वाला कंडीशनर लेने के लिए। मुझे लॉरेल पैरिस के कंडीशनर्स अच्छे लगते हैं, सो अभी ये न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट है, बिल्कुल रिसेंटली मार्केट में आया है, सो मैंने सोचा एक बार मैं इसको टेस्ट करूँ। और ये हाइलोरोनिक एसिड के साथ है, अभी तक हाइलोरोनिक एसिड आपने फेस सीरम्स में या क्रीम्स में सुनी होगी, बट यस अब आपको कंडीशनर हेयर्स के लिए भी हाइलोरोनिक एसिड के प्रोडक्ट्स मिलने लग गए हैं। सो ये 72 hours तक मॉइस्चराइज करता है आपके हेयर्स को, और इसमें हाइलोरोनिक एसिड है, ये आपके हेयर्स को डिटेंगल्स रखता है और मॉइस्चर को लॉक रखता है आपके रूट्स में, और डिहाइड्रेटेड हेयर्स को हाइड्रेशन देता है काफ़ी अच्छा। सो इसमें 180 ml क्वांटिटी है, और इसका जो प्राइस है 239 है, बट ये मैंने बहुत मैक्सिमम डिस्काउंट में ओनली 169 rupees में ये बाय किया है। सो ये कुछ इस तरह से लाइलैक लाइट पर्पल कलर की बॉटल है, और इसकी फ्रेग्रेंस जैसे सभी लॉरेल पैरिस के कंडीशनर्स की होती है, शैम्पूस की होती है, कुछ इसी तरह की इसकी फ्रेग्रेंस है। सो मुझे ये प्रोडक्ट अभी मार्केट में बिल्कुल नया लॉन्च दिखा, सो मैंने ये वाला बाय कर लिया। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये समर्स एंड विंटर्स दोनों में काम आता है गर्ल्स के, और ये प्रोडक्ट है बेला विटा ऑर्गेनिक्स का न्यू एज आयुर्वेदा टिंटी आई चीक लिप, ये लिप टिंट है। सो इसे आप आइज पे, चीक्स पे, लिप्स पे, ये इस तरह का टिंट है, कहीं भी आप यूज़ कर सकते हैं।
इसमें आपको रोज़ एंड सैंडलवुड ऑयल की गुडनेस मिलेगी। बाय द वे ये रोज़ फ्लेवर में मैंने लिया है। इसमें आपको और सारे शेड्स में मिल जाएंगे, जैसे ब्राउन शेड भी है, ऑरेंज है, रेड है, पिंक है, सो आप अपने अकॉर्डिंग इसमें बाय कर सकते हैं। मैंने जो शेड बाय किया वो रोज़ शेड बाय किया, बिल्कुल इस तरह का एग्जैक्ट पिंक कलर। इसमें जो क्वांटिटी मिल रही है 8 ग्राम क्वांटिटी है। इस तरह से बहुत ही क्यूट सी, गुड लुकिंग सी पैकेजिंग में आता है, बहुत छोटी सी बॉक्स में। और इसके साथ आपको ये ब्रश मिलेगा। यहाँ पर करना चाहते हो, इसका कलर बहुत इस तरह का एकदम एग्जैक्ट पिंक शेड है। सो अगर मैं आपको स्वाच करके दिखाऊं, सो बहुत ही अच्छा पिगमेंटेड ये टिंट है। सो अगर आप इसको हल्का सा भी डैब डैब करके इस तरह से अपने चीक्स पे अप्लाई करेंगे ना, बहुत ही अच्छा एकदम रोजी ब्लश लगेगा और नेचुरल फिनिश के साथ है। मैंने अभी एज अ लिपस्टिक ये अप्लाई किया हुआ है, यही अप्लाई किया है। सो इसकी शेड बहुत अच्छी है, बहुत पिगमेंटेड है। नेक्स्ट और जो लास्ट आइटम मैंने बाय किया है वो एक बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस वाला ये परफ्यूम है। ये रिने कॉस्मेटिक्स ब्रांड का है। इसका जो MRP है ये MRP 599 रुपीज़ है, बट ये मैंने ओनली एंड ओनली 399 रुपीज़ में बाय किया है। ये रिने कॉस्मेटिक्स का ब्लूम परफ्यूम है, एओडे परफ्यूम, एंड 50 ml इसमें क्वांटिटी है। सो ये जो फ्रेग्रेंस नेम है ना, ये है ब्लूम। आप ये वाला बाय कर सकते हैं। इसमें और भी फ्रेग्रेंसेस है जिसके डिफरेंट डिफरेंट नेम है, बट रिव्यूज़ को पढ़ के मैंने ये वाला प्रोडक्ट बाय किया है। जो आउटर पैकेजिंग है इस तरह से सोबर सी पैकेजिंग है, बट इसका जो इनर पैकेजिंग है ये बहुत ही क्लासी है। आप इसे अपने बैग में कैरी करते हैं ना, ओ माई गॉड, इतना क्लासी लुक वाला परफ्यूम है। ऐसा लग रहा है जैसे कि बहुत ही लग्जरी और एक्सपेंसिव है, बट ये बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाए आपको। इसका कैप बहुत स्टाइलिश है, बॉटल भी स्टाइलिश है, और ये ग्लास बॉटल है, प्लास्टिक बॉटल नहीं है। सो इसे आपको बिल्कुल केयर से रखना होगा। और इसकी जो फ्रेग्रेंस है ना, इसकी फ्रेग्रेंस ये ना ही फ्रूटी फ्रेग्रेंस है, ना ही ये फ्लोरल सी फ्रेग्रेंस है। ये आप कॉम्बिनेशन कह सकते हैं, और ये एक डिफरेंट सी, बिल्कुल ही डिफरेंट फ्रेग्रेंस है। जब तक आप इसको खुद स्मेल नहीं करके देखते हैं तब तक आप नहीं समझ पाएंगे कि एग्जैक्ट कैसी लगेगी, बट ट्रस्ट मी, ये बहुत ही अच्छा परफ्यूम है। ये एटलीस्ट 4 to 5 hours लास्ट करने वाला परफ्यूम है। अगर आप इसे अपने बॉडी या क्लोथ्स पे डालते हैं सो 4 to 5 hours ये लास्ट करेगा। ओके, सो इसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है, बहुत, जैसे एक जो एग्जैक्ट फ्रेग्रेंस होती है परफ्यूम वाली फ्रेग्रेंस, जिसे हम कहते हैं कि एग्जैक्ट परफ्यूम वाली फ्रेग्रेंस है, एग्जैक्ट वैसी है। सो मुझे ये वाला परफ्यूम बहुत अच्छा लगा। इसकी कैप बहुत अच्छी टाइट कैप है, सो ये सिक्योर रहेगा। मुझे ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगी, इसकी पैकेजिंग बहुत अच्छी लगी मुझे। सो गाइस, अगर आपको ये बाय करने हैं, इनमें से कोई भी प्रोडक्ट बाय करना है, ये सभी प्रोडक्ट आपको 4-star रेटिंग प्रोडक्ट्स मैंने शेयर किए हैं, जो कि अच्छे ट्रस्टेड प्रोडक्ट्स हैं। इनके रिव्यूज़ भी काफ़ी अच्छे, आप खुद जाके चेकआउट कर सकते हैं। इनकेस आपको बाय करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक बार चेक कर लेना, अभी काफ़ी अच्छी सेल में आपको डिस्काउंट पे मिल जाएंगे। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, देन मेक श्योर इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे गाइस, बाय।